नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ होम टूर एंड किस सोसाइटी में मैंने फाइनली घर लिया है। तो ये बात थी जो मैंने आपको एक वीडियो में रोक दिया था, तो स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। हमारे पास कॉल आया जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसी बिल्डर का, जिस घर में हम रहते थे ना, उनके ओनर इज अ वेरी बल्लम पार्टी, यू नो दे आर फ्रॉम भोपाल, ही इज इन मीडिया, किसी बड़े न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं वो। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेकर के रखा था एंड बिकॉज ही वॉज फ्रॉम भोपाल एंड वी वर इन अ वेरी गुड टर्म, मतलब विक्की काफी उनसे बात करता रहता था, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत एक अच्छी लेवल पे पिच करा, उनके लिए बिल्डर से हमारे लिए पिच करा कि क्योंकि उन्होंने हमको कोटेशन किया था उसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, तो पिच किया, थोड़ा नेगोशिएट किया, ज्यादा नहीं किया बट फिर भी थोड़ा सा किया। तो उन्होंने उनकी एक हमको बहुत अच्छी हेल्प मिली है। उसके बाद एक कोनी की तरफ से कॉल आया, अगेन कॉल आया विक्की के पास एंड ही वॉज रेडी। हमारा जो अमाउंट वो ज्यादा कोट कर रहे थे क्योंकि हमको थोड़ा सा वन के ऊपर जाना ही पड़ा। फिर मुझे बैठ करके विक्की ने पापा लोगों से बात करी, मेरे फादर इन लॉ ने तो बोल दिया था कि तुम लोगों को रहना है भाई, तुमको पसंद आ रहा है इतना, कोई और पसंद नहीं आ रहा और इतना बड़ा घर तुमको नहीं मिल रहा है उस रेट में, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए मत सोचो। जो हमारे ओनर थे सेम उन्होंने ये चीज बोला कि आज से 5 साल बाद तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने लाख के लिए इतनी अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ दी जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे ऊपर डिसीजन छोड़ दिया था एंड सबने बोला कि इसको मत छोड़ो। और फिर विक्की ने मुझे बैठ के समझाया, मैं थोड़ी वैसी हो रही थी कि यार मतलब कैसे क्यों, तो बस उसमें एक नेगेटिव ड्रॉबैक सिर्फ एक ये था, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद थी वहां की प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहीं से भी आती थी मैं सिर्फ घर में आकर के बोलती हूँ थी यार ये घर होना चाहिए, यार इतना बड़ा घर तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट ऐसा घर होना चाहिए, एयरी रूम होने चाहिए, धूप आनी चाहिए घर में, मतलब बहुत पॉजिटिव होना चाहिए ऐसे करके। तो विक्की ने मुझे बोला कि क्या हम इस, जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था, विक्की बोलता क्या हम इसके बाद कभी यहाँ पर इस एरिया में प्रॉपर्टी ले पाएंगे, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे। आई वॉज लाइक चलो जैसिया राम और भगवान का नाम लेते हैं एंड लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, उसमें सिर्फ एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये था जो हमारी चेकलिस्ट में नहीं था, हमको ये था कि 6th फ्लोर से लेकर के 12th और 13th या 14th फ्लोर तक के बीच में हमको घर लेना था, लेकिन हमको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको एक तो फ्रेश घर चाहिए था, हमारी रिक्वायरमेंट फ्रेश घर थी, हमको बैल्कनीज चाहिए, हमको थोड़ा स्पेशियस भी होना चाहिए, हमको थोड़ा खुला खुला होना चाहिए, ये सब हमारे सारे चेकलिस्ट हो रहा था। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये हुआ था कि उस घर में जो उसका फ्लोर है वो 1st फ्लोर था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पहले वहां जाकर के देखूंगी, मुझे अगर लगेगा कि सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1st फ्लोर है तो भाई धूप नहीं आ रही है या बंद बंद लग रहा है या रोशनी नहीं आ रही है। एंड मैंने वहां पर कम से कम मैं एक ही दिन में 4 बार गई हूँ वहां पर, सारी चीजें अपने जो थोड़ा डायरेक्शंस होती है मैंने वो चेक करी और सब देखा घर को एंड आई वॉज लाइक ठीक है चलो डन करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे प्लस पॉइंट ये था कि पीछे गार्डन व्यू है, अगर 1st फ्लोर भी है ना तो हवा का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, हवा आ रही थी, बहुत एयरी रूम था क्योंकि उस टाइम तो फुल बारिश का सीजन चल रहा था, जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है तो एकदम फुल बारिश का सीजन चल रहा था एंड आई वॉज लाइक हाँ यार रूम में रोशनी तो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि बादल बहुत हो रहे थे तो हमको नहीं समझ में आ रहा था धूप कितनी आएगी क्या आएगी, बट हाँ काफी स्पेशियस था, रोशनी थी। एंड विक्की ने मुझे समझाया कि यार कोविड में हमको कितना ही बाहर रहना है, हम कितना ही ऊपर खड़े होकर के कितना ही व्यू देख लेते थे, थोड़ा सा ही तो देखते थे ना, और व्यू भी कितने टाइम का ही होता है, थोड़े टाइम बाद तो यहाँ मुंबई आपको पता ही नहीं है 2 साल बाद कब कौन सी बिल्डिंग आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, यहाँ एटलीस्ट ये नहीं है, ऐसे करके उसने बहुत मुझे ब्रेन वॉश किया घर में ही खड़े होकर के। एंड आई वॉज लाइक चलो ठीक है डन। जून में हम टोकन अमाउंट दे करके आ गए थे एंड हमारी रजिस्ट्री हो गई थी जून में ही, वो डेट्स भी आपको आगे चल के पता चलेगी। जुलाई में हमारी पूरी प्रोसेसिंग हुई, थोड़ा लोन हम, क्योंकि विक्की वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि उसको लोन पर्टिकुलर बैंक से ही चाहिए था और वो बैंक का नाम था SBI, उसको और किसी प्राइवेट बैंक से नहीं चाहिए था। रीजन उसका ये था कि प्राइवेट बैंक पे तो हमको एक दिन में ही लोन मिल जाता, बट SBI की प्रोसेस बहुत तगड़ी होती है, वो खुद अपने तरफ से, ये जो बैंक है ना ये अपनी तरफ से पूरी सोसाइटी की इंस्पेक्शन करते हैं, एक एक चीज, लैंड का इंस्पेक्शन होता है, सोसाइटी, बिल्डर, इनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसको उस चीज पे वो था कि भाई हमसे अगर कुछ एक आध चीज मिस हो जाएगी ना तो ये लोग लोन ही नहीं देंगे अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो। फिर बात आती है टोकन डाउन पेमेंट देने की, तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका था एंड हम पहले इस थॉट प्रोसेस में था कि हम थोड़ा सा अमाउंट हमारा लिक्विड मनी कैश रखेंगे, बट क्योंकि इतना बड़ा डाउन पेमेंट अमाउंट था तो जो विक्की की सारी सेविंग्स थी वो लगी, मेरी जितनी सारी सेविंग्स थी वो लगी, जो PF अकाउंट होता था पहले का वहां से सारा पैसा निकाला गया सब। वो बिल्डर वॉज वेरी वेरी कोऑपरेटिव विद अस, बहुत अच्छे थे वो अंकल, बड़े काफी बड़े अंकल थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो उनको ना मैं उनकी बेटी जैसी लग रही थी, तो जब हम साइन वाइन करने भी जा रहे थे ना तो ही वॉज वेरी वेरी स्वीट टू अस, मतलब उनने हमारे लिए बहुत अमाउंट, लिटरली काफी सारा पैसा कम किया है, सो ही वॉज वेरी वेरी स्वीट टू अस, मतलब मैं लिटरली विक्की को ये बोलती हूँ कि यार
हमेशा इसलिए अच्छे काम करने चाहिए, आपको नहीं पता कहाँ से कोई अननोन हेल्प आपके लिए आ जाएगी. आप सोचो हमारे ओनर कौन लगते हैं हमारे लिए, बट ही वॉज रेडी टू हेल्प अस. उनने हेल्प करा हमारा, हमारे वो जो बिल्डर के वो जो थे ना अंडर एम्प्लॉय, उनने हमारी हेल्प करी है. बट देयर आर सो मेनी गुड पीपल एज वेल अराउंड. तो वो हमारा फाइनल हुआ. एंड अभी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं वो बोलते हुए. फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी जब मैं थाने में आई थी, व्हेन आई वेंट टू हीरा नंदानी मिडॉस. हीरा नंदानी के ऐसे अलग अलग काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं. तो जब मैं मिडॉस में गई थी ना, तो मेरे सबसे पहले चीज जो मेरे मुंह से निकला, मैं बोला यार ऐसे एरिया में घर होना चाहिए हीरा नंदानी के प्रॉपर्टी में. इट वॉज अ ड्रीम फॉर अस, लिटरली फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, एंड वी बॉट आवर ओन home by ourselves. It's a big big thing for us. And अब आप जो home tour है वो देखिए. I think सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ miss हो जाएगा तो मैं next video में बताऊँगी. तो उसके बाद हमने एक छोटी सी पूजा भी करी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं rent के घर में भी जाती हूँ ना, तो वो भी मैं छोटी पूजा करती हूँ अपने हिसाब से. तो हमने parents को बता दिया था कि हम भाई ले लगा के आ चुके, बट हम भोपाल आने वाले थे तो हम वहाँ रहने नहीं वाले थे. Within 15 days में हमको वहाँ पर tenant मिल गए बहुत आराम से. And yes, अब आप लोग home tour enjoy करिए. तो ये है हम लोगों का एंट्रेंस, एंड एंट्रेंस के सामने ये हॉल आता है और ये विंडो है. सो बेसिकली ये पोडियम के ऊपर बना हुआ है, मतलब नीचे ऑलरेडी दो फ्लोर की पार्किंग है, इसलिए ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर इसका थर्ड फ्लोर कहलाएगा. तो ये है, एंड बहुत बारिश हो रही है, और अभी जो टाइमिंग है इट्स अराउंड 4:30, एंड उस टाइम पर आप रोशनी देखिए, अभी एक भी लाइट नहीं लगी है अंदर. तो काफ़ी ज़्यादा यू नो, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये लगी थी कि काफ़ी रोशनी आ रही है. बिल्डिंग सामने है बट एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे है, वो दूसरी सोसाइटी की बिल्डिंग है. और ये देखिए, ये हमारा किचन है, एंड दिस इज़ द हॉल, डाइनिंग एरिया एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है जैसे मेरा पुराना रेंटेड वाला अपार्टमेंट था. और ये किचन है, अभी कुछ भी काम वाम नहीं हुआ है डेफिनेटली. और उसके बाद किचन के सामने भी एक यूटिलिटी एरिया आप बोल सकते हैं, विथ बैल्कनी है, तो वहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं. फिर यहाँ साइड में किचन का एरिया दिया हुआ है, तो पैरेलल प्लेटफॉर्म के साथ किचन है. तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उस दिन, मतलब लिटरली बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. तो ये है छोटा सा स्पेस यूटिलिटी के लिए, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो. अगेन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि काफ़ी ज़्यादा यू नो रोशनी आ रही है. उसके बाद कमिंग टू दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक और सेकेंड बेडरूम है. यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने एरिया दिया हुआ है फॉर कबर्ड, और दिस इज़ द रूम. इसके साथ भी एक छोटी सी बैल्कनी है. उसके बाद आते हैं, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, और अगेन इसके साथ भी एक बैल्कनी दी हुई है, एंड साथ में वार्डरोब के लिए इन्होंने एक एरिया दिया हुआ है. तो यस, ये है हमारा कंप्लीट टूर. तो एग्जैक्टली सेम सब कुछ वैसे ही है, मतलब सब कुछ वैसे ही है, बस ये है कि वो 20th फ्लोर पे था एंड ये फर्स्ट फ्लोर पे है. तो ये गार्डन है छोटा सा पीछे, तो गार्डन व्यू है, थोड़ा बहुत गार्डन का व्यू मिल जाता है. सो दिस इज़ द होम. अभी हर चीज़ का हमारा ये चेकलिस्ट था, सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक यही था कि फर्स्ट फ्लोर पे है, बाकी आई एम जस्ट लविंग दिस होम. So yes, that's it for the video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel, and comment down below. Main milti hu aapko mere next video mein. Till then, bye.